पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने हाई सीपीएम कीवर्ड्स किस तरह फाइंड करने हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऐसे कौन से एड्स लगाने हैं जिसकी वजह से आपको अर्निंग ज्यादा मिलेगी। रुको जरा, सबर करो। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या करते हो कि आपने एड्स तो लगा लिया, लेकिन आपको अर्निंग कम क्यों होती है? क्योंकि आपको एड्स लगाने का तरीका नहीं होता। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दो वेबसाइट ऐड की है। तो यहाँ पे ऑल कोड पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट लिंक आपने किस तरह लगाना है, ये भी एक तरीका होता है। तो यहाँ पे मैं अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कॉपी हो चुका है। तो यहाँ पे ब्लॉगर पे जाता हूँ। ब्लॉगर पर आने के बाद आपने कोई भी एक पोस्ट खोल लेनी है। जिस तरह के फर्ज करें कि मेरी एक गेमिंग की वेबसाइट है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इस पे पोस्ट पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे जितने भी डाउनलोड या फिर वेबसाइट का नेम होगा, उसको आपने डायरेक्ट लिंक में जो कन्वर्ट करने हैं। तो जिस तरह के ये देख सकते हैं कि सब्सक्राइब बटन डाउनलोड, यहाँ पे आपने अगर डायरेक्ट लिंक लगाया होगा तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे अगर क्लिक करेगा ना तो आपको अर्निंग होगी। हालांकि मैंने यहाँ पे बटन भी लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे अगर वो क्लिक करेगा तो यहाँ से डाउनलोड होगा। ये ऊपर जो है, यहाँ पे मेरा ये डायरेक्ट लिंक है, इससे भी अर्निंग मैं करूंगा और यहाँ पे इससे भी अर्निंग करूंगा। ये तरीका होता है, ठीक है। मैं बैक जाता हूँ। अभी बैक जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी मैंने कुछ ये वेबसाइट के नाम वगैरह को मैंने हाईलाइट करके तो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक लगाए हुए हैं। अगर आपकी डाउनलोडिंग की वेबसाइट है तो आपने किस तरह लगाने है? आपने क्या करना है कि कुछ इस तरह का लिखना है, आपने वेबसाइट डाउनलोड किस तरह करनी है। ये डाउनलोड का जो बटन है आपने इसको हाईलाइट कर देना है और क्लिक हेयर को आपने हाईलाइट कर देना है। इस तरह के जो कीवर्ड्स है ना आपने हाईलाइट कर देने हैं, ठीक है। उस पर आपने एड लगा देने हैं। एड लगाने के बाद आपने पोपंडर एड किस तरह लगाना है वो भी मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। पोपंडर एड लगाने के लिए आपने गेट कोड पे क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने हेडर के नीचे इसको पेस्ट करना है। अभी इसको मैं अभी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे थीम में जाना है, यहाँ पे HTML में जाना है, ठीक है। इसमें जाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे पेस्ट कर देना है इसके नीचे, ठीक है। इसको जब आप पेस्ट कर देंगे तो आपने क्या करना है कि एक और एड लगाना है, सोशल बार, ठीक है। इसको आपने क्या करना है कि इसको भी इस तरह कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने ये जो HTML, इसमें आपने एंड पे चला जाना है। इसमें जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने इसके ऊपर जो है बॉडी के इस पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने यही बताया है, ठीक है। इसको लगाने के बाद आपने क्या करना है कि इसको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव जब आप करेंगे तो आपने बैक चला जाना है। बैक जाने के बाद आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि $2 है अभी। तो मैंने डायरेक्ट लिंक की जो ट्रिक थी मैंने आपको बता दी है, और जो पपंडर एड और सोशल बार ऐड है ये मैंने आपकी तरह ही लगा दिए। अगली वीडियो में मैं अपना तरीका बताऊंगा कि मैं किस तरह लगाता हूँ जिससे मेरी इतनी ज्यादा अर्निंग होती है। और अगली वीडियो में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि अभी मेरे $2 है तो मैंने कितनी ज्यादा अर्निंग कर ली है अपने वाली ट्रिक यूज करके। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।